नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम सभी ने होली के बारे में कई बातें सुनी, कई कथाएँ सुनी। उन्हीं कथाओं से जुड़े तथ्य मैं आज आपके सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ और होली के इतिहास के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम सभी प्रह्लाद और होलिका से जुड़ी कथा को जानते हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त विष्णु प्रह्लाद का अंत करने के लिए अग्नि में प्रवेश करा दिया था, परंतु होलिका का वरदान निष्फल सिद्ध हुआ और वह सोए उस आग में जलकर मर गई थी। इसी प्रकार अहंकार की और बुराई की हार हुई और प्रह्लाद की इस जीत की खुशी में होलिका त्यौहार मनाया जाने लगा है। इसी से जुड़े हम कुछ तथ्य आपको आज बताने जाएंगे। जैसे कि नंबर एक, शिव पुराण के अनुसार शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे और हिमालय की पुत्री पार्वती भी शिव से विवाह के लिए कठोर तप कर रही थी। शिव पार्वती के विवाह से इंद्र का स्वार्थ छिपा था, क्योंकि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र के द्वारा ही होना था। इसी कारण इंद्र ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी ने क्रोधित होकर के कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिव जी की तपस्या तो भंग हो गई थी और फिर बाद में देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया था। इस कथा के अनुसार पर ही होली को सच्चे प्रेम की विजय के उत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा। वासुदेव और देवकी की भी एक छोटा सा तथ्य आता है कि वासुदेव और देवकी के विवाह के पश्चात कंस जब देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी द्वारा उसे पता चला था कि वासुदेव और देवकी का आठवां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तभी कंस ने उन दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के छह पुत्रों को कंस ने मार दिया था और सातवें पुत्र जो कि शेषनाग के अवतार बलराम थे, उनके अंश को जन्म से पूर्व ही वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया था। फिर श्री कृष्ण का अवतार आठवें पुत्र के रूप में हुआ। उसी समय वासुदेव ने रात में ही श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए थे, परंतु कंस उस कन्या का वध नहीं कर सका था। और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले ने तो गोकुल में जन्म ले लिया है। इस कारण कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उस दिन गोकुल में जन्मे सभी शिशुओं की हत्या करने का काम एक राक्षसी पूतना को सौंप दिया था। वह सुंदर नारी का रूप बनाकर सभी शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए गई, परंतु लेकिन श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। उस दिन फाल्गुनी पूर्णिमा थी, अतः बुराई का अंत हुआ और खुशी में होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। भी होती है बरसाने और नंदगांव में लटमार होली खेली जाती है। हम सभी एक ही कथा के बारे में जानते थे कि प्रह्लाद और होलिका से जुड़े कुछ तथ्य थे। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको हैप्पी होली एडवांस।